सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। अगर आपको लोगों के दिलों पर राज करना है तो चेहरे पर मुस्कुराहट और जबान में मिठास का होना बहुत जरूरी है। आज का पंचांग 26 मई 2023 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:53 तक रहेगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर रात्रि 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। शीतला षष्ठी की शुभकामनाएं। मकर राशि 26 मई 2023 दिन शुक्रवार, आपके पिछले कुछ समय से अपने करियर तथा निजी जीवन संबंधित किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रयासों और परिश्रम को आपके सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त प्रशंसक भी बन जाएंगे। आपके दुश्मन आज असहाय महसूस भी करेंगे। इस राशि वाले के कारोबारी, व्यापारी और नौकरी पेशा वालों को आज के दिन काम काज में परेशानियों का अनुभव हो सकता है। काम धंधे के समय व्यापार में किसी ग्राहक या व्यापारी पार्टी की वजह से व्यापारिक कार्यों में कोई अनबन आ सकती है। कोई सरकारी परेशानी से भी काम बाधित हो सकता है। कोई बिल या टैक्स संबंधित गलती की वजह से कुछ समय के लिए काम रुक सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले जातक आज रिश्वत प्रभावी कार्यों में प्रभावित ना हो, अन्यथा समस्या हो सकती है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों को आज अधिकारियों की वजह से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस राशि वालों का व्यापारिक जीवन, इस राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और बड़े बुजुर्गों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। लव पार्टनर या किसी अन्य निकट के व्यक्ति से कोई कहा सुनी हुई है तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। संध्या काल का समय पूजा पाठ व किसी धार्मिक अनुष्ठान में व्यतीत होगा। सावधानियां। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज संभल कर फैसले लेने होंगे। कोई भी काम बड़ों की सलाह के बिना ना करें। आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे, परंतु आपको थोड़ी और लगाम लगाने की जरूरत है। आज आप ज्यादा खर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप अपने रिश्ते को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने परिवार के मध्य में अपने आप को व्यक्त करें। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बढ़िया दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आज के इन भावों को देखकर वे बहुत खुश होंगे। बात करते हैं करियर की। आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तक दे रही है। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे, उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। देख समझ कर यह खोजे कि आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। अच्छी सेहत के लिए खाने में उसकी मात्रा बढ़ा दें। आप काफी समय से यात्रा कर रहे हैं और कई जगहों पर अलग अलग तरह का खाना खाते आ रहे हैं,
इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है, जिससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।